हाय फ्रेंड्स, तो आरईसी का यूनिट 5 जिसका नाम है एयर कंडीशनिंग लोड, तो हम डिस्कस करने वाले हैं उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक दे रखे हैं। ठीक है, 5-6-7 लिंक दिए हुए हैं, किसी एक ग्रुप में किसी एक लिंक के थ्रू आप कनेक्ट हो जाए। ठीक है, कोई भी एक लिंक पे क्लिक करके आप उस मेरे ग्रुप में ऐड हो जाए, जिसमें मैं आपको नोट्स वगैरह आरईसी के सारे नोट्स मैं अवेलेबल कराया हूँ। उसमें आगे के सब्जेक्ट जो आने वाले हैं उनके सारे नोट्स वगैरह, मेंटेनेंस मैनेजमेंट के नोट्स वगैरह, सारे नोट्स मैं वहाँ पे अपलोड करूंगा। ठीक है, तो उस ग्रुप में, किसी भी एक ग्रुप में आप ऐड हो जाइए। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं 5th क्वेश्चन का इम्पोर्टेंट टर्म्स। तो ओवरऑल 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं इस यूनिट से चूज किया हूँ, जिसमें थ्योरी तो ठीक है बट देखा जाए तो पेपर के अकॉर्डिंग न्यूमेरिकल 60% न्यूमेरिकल आ रहा है इस क्वेश्चन, इस यूनिट से, और 40% थ्योरी। मतलब अगर इस यूनिट से दो क्वेश्चन बने तो एक न्यूमेरिकल और एक थ्योरी बनेगा। ठीक है, क्योंकि अभी तक के जो पेपर आए हुए हैं उसमें तो ऐसा ही दिख रहा है। तो जो न्यूमेरिकल्स है वो साइकोमेट्रिक, जो आपने अगर साइकोमेट्रिक के न्यूमेरिकल्स आपने लगाए हैं अच्छे से, तो इस यूनिट के भी न्यूमेरिकल आप इजिली लगा लेंगे। ठीक है, सेम साइकोमेट्रिक न्यूमेरिकल जैसे ही है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है लोड रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। ठीक है, नाउ थ्योरी पार्ट में आते हैं। तो ओवरऑल 4 थ्योरी पार्ट हैं। शॉर्ट नोट में आ जाता है हमारा सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम, इसका डायग्राम बनाकर आपको इसकी वर्किंग बतानी है। ग्रैंड सेंसिबल हीट फैक्टर क्या होता है, इसका डायग्राम बना के आपको इसकी वर्किंग बतानी है। एयर डिस्ट्रीब्यूशन एंड वेंटिलिंग सिस्टम कैसे काम करता है, डायग्राम बना के आपको इसको वर्किंग बतानी है। जोनिंग इन एयर कंडीशनिंग क्या है, उसका डायग्राम बना के आपको उसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। इसमें ग्रैंड सेंसिबल हीट और एयर डिस्ट्रीब्यूशन, ये दोनों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी तो ठीक ठाक है। नाउ 3rd क्वेश्चन है, डिफाइन कूलिंग लोड। कूलिंग लोड क्या होता है, व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर कंसिडर्ड इन लोड एस्टिमेट फॉर कम्फर्ट एप्लीकेशन। ठीक है, तो अगर आपको कंफर्ट चाहिए तो इन दैट केस व्हाट टाइप ऑफ लोड यू हैव टू कंसीडर, लोड फैक्टर कौन कौन से आप कंसीडर करोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 4th क्वेश्चन, यहाँ पे एक छूट रहा है। ठीक है, 4th क्वेश्चन हमारा ये है, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ नीट डायग्राम ईयर राउंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ईयर राउंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम कैसे वर्क करता है, उसका डायग्राम बनाकर आपको उसको वर्किंग पूरी लिखनी है। ठीक है, 4th क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन रूम सेंसिबल हीट फैक्टर, ठीक है, एंड ग्रैंड सेंसिबल हीट फैक्टर। तो ग्रैंड सेंसिबल हीट फैक्टर तो आपको यहाँ पढ़ोगे तो वही सेम चीज है, रूम सेंसिबल हीट फैक्टर बस एक्स्ट्रा आपको पढ़ना है। ऑल्सो ड्रॉ द रिस्पेक्टिव लाइन ऑन साइकोमेट्रिक चार्ट, तो साइकोमेट्रिक चार्ट में ये लाइन कहाँ बनते हैं वो भी आपको बताना है। सेंसिबल हीट फैक्टर कहाँ बनते हैं, राइट साइड में एक स्केल जो रहता है वो। ठीक है, 5th क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द यूज ऑफ एयर डिस्ट्रीब्यूशन डक्ट एयर कंडीशनिंग सिस्टम। ठीक है, तो एयर डिस्ट्रीब्यूशन डक्ट जो है एयर कंडीशनिंग सिस्टम में वो कैसा रहता है, उसका डायग्राम बनाकर, बना हुआ है फोटो आपको मिल जाएंगे, बनाकर उसको एक्सप्लेन करना है। क्लियर, तो ओवरऑल ये यूनिट 5 से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया। इसके अलावा और कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नहीं और कोई बन भी नहीं सकता। न्यूमेरिकल में क्या बता रहा हूँ, साइकोमेट्रिक न्यूमेरिकल लगा लोगे तो उसके हेल्प से आप इसको भी कर सकते हो, बस लोड रिलेटेड न्यूमेरिकल थोड़ा बहुत आप देख लेना। ठीक है, थैंक यू।